श्री शिवाय नमस्ते व्यम हर हर महादेव। आप माँ गंगा के घाट पर निवास करने वाले हो, संपूर्ण ये कानपुर की जो धरा है यहाँ से जो गंगा मैया निरंतर आनंद करती हुई कल कल करती हुई जो जाती है वो कोई साधारण सी नहीं है। हमने कई बार कथाओं में पहले भी कहा है, आज फिर कहते हैं, मेरी माताएं, मेरी दीदियां, मेरी बहनें अपने कमरे में वही सामान रखती है जो काम का होता है। अपने कमरे में मेरी माताएं कभी फालतू सामान नहीं रखती। जो फालतू सामान है उसके लिए अटाले का कमरा अलग होता है, कबाड़े का कमरा अलग होता है। जो कीमती चीज हो, काम की चीज हो, वो मेरी माताएं अपने कमरे में रखती है, संभाल के रखती है, अपने पास रखती है। उसी तरह पृथ्वी पर वही जन्म लेता है जिसको महादेव ने कीमती बनाया हुआ होता है, अपना बनाया हुआ है। वैकुंठ में भगवान विष्णु है, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी हैं, पर मृत्यु लोक में मेरे देवाधिदेव महादेव हैं। और महादेव की जो धरा है, पृथ्वी है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये संपूर्ण पृथ्वी शिव का अपना घर है। मेरे भोलेनाथ जी का निज निवास है ये पृथ्वी। और जिस गंगा के घाट पर ये कानपुरवासी निवास करते हैं, जिस गंगा के घाट पर आप लोग निवास करते हैं, ये गंगा के घाट पर निवास करने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। जब पूरी पृथ्वी मेरे शिव की है तो गंगा के तट पर रहने वाले तो शंकर के अपने परिवार वाले ही होंगे, जो कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। मैं संपूर्ण कानपुर वासियों को, कल्याणपुर वासियों के पावन चरणों को नमन करता हूँ, जो आपके भीतर शिव भक्ति जागृत हुई और ये शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। अविरल भक्ति का सुख है शिव, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से रूप रूप, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना हुए का। मेरे शिव कभी आपका खजाना नहीं देखे, मेरे शंकर भगवान ने कभी आपकी दौलत नहीं देखी, मेरे शिव जी ने तो केवल इतना देखा कि तूने दिल से, मन से, एकाग्र चित्ता से, शिव ये भी नहीं देखे कि तुमने मंदिर में दिए कितने जलाए, शंकर भगवान ने यह भी नहीं देखा कि तूने अभिषेक कितना करा, शिवजी ने यह भी नहीं देखा कि तूने बेलपत्र कितना चढ़ाया। शंकर भगवान तो केवल इतना देखते हैं कि तूने अपनी जिंदगी में किसी गरीब का हाथ पकड़कर, किसी साधारण व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाने का प्रयास किया कि नहीं करा। हम रह रहे हैं अपनी जिंदगी की मस्ती में, खूब भजन करो, खूब कीर्तन करो, खूब मंत्र जाप करो, खूब स्मरण करो, खूब भगवत भक्ति में डूबो, मना नहीं, पर दिया जलाने से ज्यादा फल मिलता है किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर छोड़ देने में, किसी के चेहरे पर स्माइल आ जाए तो उससे बढ़कर कोई फल नहीं हो सकता। हमारी शिव कथा भी यही कह रही। जब भागीरथ बाबा के पूर्वज तप कर 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 हार गए, कोई साधन ही नहीं मिला, 60,000 राख के ढेर पड़े हुए हैं कपिल बाबा के आश्रम में, और उनका उद्धार कैसे हो? और उनके उद्धार का कोई साधन होना चाहिए।
उनका उद्धार हो कैसे? कपिल बाबा के आश्रम में 60,000 रात के ढेर पड़े हुए हैं, 60,000, पर उनका उद्धार कैसे हो? क्योंकि उनके भीतर भागीरथ जी के मन में एक भक्ति का एक भाव प्रकट था कि मुझे अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को लाना है। जैसे आपके भीतर की भक्ति है, जैसे आपके भीतर का विश्वास है, आपके भीतर की दृढ़ता है, आपके भीतर का विश्वास है, तभी तो ये पूरा पंडाल जो इन कार्यकर्ताओं ने बनाया, 1, 2, 3 पंडाल जो बनाए हैं, उससे बाहर तपतपाती हुई धूप में भी आप लोग बैठ कर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो, ये आपकी भक्ति ही तो है। यह आपकी अविरल भक्ति है, यह आपका विश्वास है। सिटी से बहुत दूर है कथा स्थल, आप लोग आए होंगे तो आपको मालूम पड़ा होगा, बीच में क्रॉसिंग भी आता है। सब कुछ पार करने के बाद तब कॉलोनी के द्वार पर पहुंचकर तब जाकर कथा के एकांत में अकेले जहां शिव है और आप है और कुछ नहीं, और उसमें भी आपने ये नहीं देखा कि हम धूप में बैठ रहे हैं कि जगह है कि नहीं। कई जगह तो मैं देख रहा हूं कि बिछात तक नहीं, उसके बाद भी आप लोग आराम से बैठकर धूप में अलमस्त होकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। मैं आपकी भक्ति को नमन करता हूं, प्रणाम है आपके चरणों को, नमन है। और यही शिव भक्ति है, यही शंकर की अविरल भक्ति है, और इस शंकर भगवान की अविरल भक्ति को देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। उसके भक्त जो होते हैं वो आनंदित होते हैं, उसको कोई दिखावे से मतलब। 60,000 रात के ढेर कपिल बाबा के आश्रम में पड़े हुए हैं और भागीरथ जी महाराज जी विचार में लगे हुए हैं कि गंगा एक बार आ जाए और मेरे ये 60,000 काकाओं का उद्धार कर दे। अब इनका जो मन था कि गंगा एक बार आए और 60,000 का उद्धार कर दे, 60,000 काकाओं का उद्धार कर दे, पर गंगा तो गंगा है, केवल 60,000 के उद्धार के लिए गंगा थोड़ी ना आई है। गंगा तो भगवान शिव से भी कहती है कि मेरे आने का कारण क्या है, तो शिव जी कहते हैं केवल भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए तेरे को लेकर नहीं आया हूं, गंगा तेरे को लाने का केवल इतना सा एक कारण है कि केवल 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए नहीं, गंगा तेरे को लाने का केवल एक कारण है कि तेरे तट पर जितने रहेंगे, तेरे तट पर जितने विराजमान होंगे, अगर उनको कहीं अन्न भी नहीं मिला तो तेरा जल ही पान कर कर उनको मुक्ति मिल जाएगी, उससे बढ़कर कौन से। गंगा के घाट पर जितनी भूमि होती है वो सिंचित भूमि कहलाती है, और सिंचित भूमि पर थोड़ा सा भी लगाया जाए उसका फल अधिक मिल जाता है। मेरी माँ गंगा मैया आप सबका उदर पोषण करने के लिए तत्पर है। शिव कभी नहीं देखते कि आपका वैभव कितना है, भगवान शंकर ने कभी नहीं देखा कि आपकी दौलत कितनी है, भगवान शिव ने कभी नहीं देखा कि आपका वैभव, आपकी दौलत, आपकी संपदा, आपकी सत्ता कितनी है। शंकर भगवान केवल इतना देखते हैं कि आपके भीतर भक्ति का विश्वास कितना दृढ़ है, आपके भीतर शरणागति कितनी दृढ़ है। शरणागति का बल कितना प्रबल है, एक छोटी सी मछली पानी में रहती है डूबती नहीं है, एक हाथी इतना बड़ा बड़ा बलवान पानी में गया और डूबा और मर गया। हाथी ने मछली से पूछा कि अरे मछली जी जी एक बात तो बता कि पानी तुझे डुबाता क्यों नहीं है,
और मैं पानी में गया तो डूबता क्यों हूं, बस तुझसे केवल इतना सा पूछना है, तू मुझे बता दे कारण क्या है। मछली, तू पानी में डूबती नहीं है और मैं पानी में गया और मैं डूबने लगता हूं, उसका कारण क्या है। तो मछली ने कहा, हाथी भाई, कारण केवल इतना सा है कि मैं पानी से केवल इतना कहती हूं कि पानी, मैं तेरी शरण में हूं, तू मेरी रक्षा करना, मैंने उसकी शरणागति ग्रहण कर ली, इसलिए पानी मुझे डूबने नहीं देता है। उसी तरह जो शंकर की शरणागति ग्रहण कर लेता है वो संसार सागर में कभी डूबता नहीं है। शिव की शरणागति ग्रहण करने वाला कभी संसार सागर में नहीं डूबे। डूबेगा वही जिसने शरणागति ग्रहण नहीं करी है। आप शंकर जी के मंदिर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, आप बेलपत्र चढ़ाते हो, या आप शिव मंदिर में सफाई कर देते हो, शंकर भगवान के मंदिर को क्लीन कर देते हो, साफ कर देते हो, कोई कचरा पड़ा है उसको उठाकर कोने में रख देते हो, या निर्माल्य है उसको विसर्जन में ले जाते हो, आपने शिव मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करा, जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाई, भगवान को दिया लगाया या अगरबत्ती लगाई, या दिल से तुमने जो भगवान को रिझाया, शंकर भगवान की, इसको कहते हैं शरणागति ग्रहण करना। और शरणागति के भेद में भी दुनिया लोगों ने भेद कर दिया, ये कहते हैं हम राम वाले हैं, वो कहते हैं हम कृष्ण वाले हैं, कोई कहता है हम देवी वाले हैं, कोई कहता है हम ये वाले हैं, कोई कहता है हम शिव जी को नहीं मानते, कोई कहता है हम शंकर की शरणागति नहीं जानते। तो यहाँ शिव महापुराण की कथा में, रामचरितमानस में, तो तुलसीदास जी ने भी लिख दिया कि राम जी भी कहते हैं कि, तुलसीदास बाबा भी कहते हैं कि राम जी को वही प्रिय है जो शिव को प्रिय है। भगवान शंकर की जो था शरणागति का सुख पा रहा, आनंद पा रहा। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छटी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पद शंभो मैं तेरी पद, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छटी ना मैं कटी जावांगी। भगवान शिव की जिसने शरणागति ग्रहण कर, भगवान कृष्ण ने सतभामा जी को ज्ञान देते समय कहा, सतभामा मुझे जो शिव के उपासक हैं, सतभामा जो मुझे शंकर की आराधना करने वाले हैं, सतभामा जो शिव की आराधना में दिन रात डूबे रहते हैं, भगवान कृष्ण सतभामा जी से कह रहे हैं वो मुझे अति प्रिय है, उनको मैं बहुत प्रेम करता हूं, उनको मैं बहुत स्नेह करता हूं। जो शिव की शरणागति में रहते हैं उनको राम जी भी स्नेह करते हैं, उनको कृष्ण भी स्नेह करते हैं। और केवल इतना ही नहीं कहेंगे, हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे, आप अगर भगवान की शरणागति में रह रहे हैं ना तो आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। मस्तक पर तिलक लगाया, मुख में राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम यदि आपके है, भगवान का भजन यदि आपके साथ में है, आप प्रयास करना, ट्रेन में सफर कर कर देखना, रेल में सफर कर रहे हो और स्लीपर में बैठे हुए हो, बहुत भीड़ है आपके पास में, आप कहीं पर खड़े होकर ट्रेन में सफर कर रहे हो और भगवान का नाम लेना चालू कर दो, भजन करना चालू कर दो, थोड़ा कीर्तन चालू कर दो, धीरे धीरे जो सीट पर भी बैठे होंगे ना वो धीरे से कह देंगे, आ जाओ थोड़ा सा बैठ जाओ,
जरा विचार करिए, केवल कीर्तन का बल इतना प्रबल है, भजन का बल इतना प्रबल है, भक्ति का बल इतना प्रबल है कि दरवाजा भी खोल दिया जाता है कि आओ थोड़ा सा बैठ जाओ, थोड़ा कीर्तन करेंगे, थोड़ा बैठ। अब जरा विचार करो, थोड़ा सा भजन किया और ट्रेन की सीट पर जगह मिल गई, तो थोड़ा सा भजन कर कर बैकुंठ की सीट पे जगह नहीं मिल सकती है? थोड़ा सा ही तो करना है, हम आपसे कमी नहीं कहे। इस व्यासपीठ से इतने सालों से कथा चल रही है, पर इस व्यासपीठ से सारी कथा निकाल कर आप देखना, हमने कभी नहीं कहा कि तुम 24 घंटे भजन करो। बोलो रे कानपुर की जीजी, बोला कानपुर के जीजा उन भी बोल दो, बोला क्या कभी हमने ये कहा हुआ आपको कि आप 24 घंटा भजन करो? कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहते कि आप 24 घंटा भजन करो। हमने कभी ये नहीं कहा आपसे कि आप 24 घंटा भगवान की माला पकड़ कर बैठे रहो। हम कभी नहीं कहते, हम ही नहीं पकड़े 24 घंटा, तो आपको कहे को के? हम इतना जरूर कहते हैं कि जितनी देर भगवान का भजन करना है, जितनी देर भगवान का गुणगान करना है, जितनी देर भगवान का स्मरण करना है, जितनी देर भगवत कीर्तन को धारण करना है, जितनी देर भगवत भजन धारण करना है, शिव पुराण कहती है जितनी देर करना है। आपको 3 घंटे की कथा सुन रहे हो, 3 घंटे की कथा में भी अगर आप 5 मिनट बैठे हो, 15 मिनट बैठे हो, 10 मिनट बैठे हो, 5 मिनट बैठे हो, उस 5 मिनट में भी या 15 मिनट में भी अगर आप भगवान की भक्ति में डूबे हो और दिल से डूबे हो, तो आपको 24 घंटे जो भजन का पुण्य है वो आपको 5 मिनट में प्राप्त हो जाएगा। आप दिल से तो जपो, दिल से जपा ही नहीं, बैंक में जा रहे हैं, थोड़ा सा काम पड़ा, फिर बैंक में पहुंच गए, 2000 रुपए निकाल के लिया, फिर कोई काम पड़ा, बैंक में पहुंच गए, 5000 रुपए निकाल के लिया, फिर कोई काम पड़ा, बैंक में एटीएम पर पहुंच गए, 7000 रुपए निकाल के लिया, फिर बैंक में पहुंच गए, 7000-8000 रुपए निकाल के लिया। एक बार बैंक में जाओ और चेक भरो और एक साथ में एक दिन का खर्चा 1,00,000 रुपया निकाल के लिया, बार बार बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार चेक भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह मृत्यु लोक में 7 दिन की जो शिव महापुराण की कथा कल्याणपुर वालों को, ये कानपुर वालों को जो मिली है, ये कथा अगर मिली है 7 दिन की, तो ये समझ लेना एक बार का चेक भरा जा रहा है और जिंदगी भर का लाभ प्राप्त हो रहा है। एक बार शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर अपने जीवन की सार्थकता को प्रकट किया जाए, एक बार। महाराज भजन कीर्तन स्मरण जब मूल रूप से आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन एक बार अगर रम जाए शिव में, फिर आप भटकना छोड़ दो, ये निश्चित था। महाराज जागृत नहीं होगी, जब तक भक्ति का बल नहीं बढ़ेगा तब तक सुख प्राप्त नहीं होगा। आप लोग आए जरूर हो कथा में, और मेरा विश्वास कहता है इतनी दूर 100-50 रुपए ऑटो में खर्च करने के बाद आप यहाँ पहुंचे होंगे, 100-50 रुपए खर्च कर कर वापिस घर जाओगे। जरा विचार करना, अगर 50 रुपए खर्च कर कर तुम यहाँ तक पहुंचे हो, 50 रुपए खर्च कर कर तुम यहाँ बैठे हो, तो कहीं ना कहीं मेरे भोलेनाथ की कृपा होगी, तभी तो बाबा ने तुमको खींच कर यहां बुलाया। एक पत्र आया है, एक पत्र देखिए, उस पत्र में एक किसी माँ ने लिखा है,
निधि भारद्वाज जिला अलीगढ़ से आई है। निधि भारद्वाज आप ही हैं? हाथ हिला दो बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम निधि भारद्वाज है, जिला अलीगढ़ से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। महाराज जी, एक लोटा जल की महिमा क्या होती है मुझसे पूछे। 2021 में हम बहुत दुखी थे महाराज जी, हम पर बहुत कर्जा था। 10 लाख से 15 लाख तक का कर्जा हमारे ऊपर हो गया था। चारों तरफ अंधेरा लग रहा था। एक दो बार प्रयास भी करा कि ये सच शरीर रखने से कोई मतलब नहीं, अब तो मरना ही श्रेष्ठ है, पर आपकी कथा ने मुझे जीने की राह दिखा दी। मोबाइल चलाकर बैठी थी और अचानक आपकी कथा मेरे हाथ में आ गई। आपका बटकेश्वर वाला उपाय हमने करना प्रारंभ करा, 3 सोमवार किया है बाबा जी। बाबा की कृपा ऐसी हुई, लोगों से कहते थे कि कहीं ना कहीं से 1 या 2 लाख का लोन हो जाए तो हमारा थोड़ा थोड़ा कर्जा पट जाए, पर कर्जा नहीं पटा। बोले कि ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जो हमारा 10 लाख से 15 लाख का कर्जा था, मेरे बेटे ने बाबा की कृपा से मेहनत कर वो कर्जे को पटा दिया और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा दूसरे को लोन देने लगा। ये शिव है। पत्र में लिखा है निधि जी आपने, अब तो बेटा मेरा दूसरे को लोन दे देता है, ऐसी कृपा मेरे बाबा भोलेनाथ ने कुबेर भंडारी ने कर दी। ये शिव है कि पत्र में यह लिख दिया इन्होंने कि अब मेरा बेटा ही लोगों को लोन दे देता है, ये शिव की कृपा से हुआ है, शंकर की कृपा से हुआ। गुरुदेव, 20 साल से सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, खूब इलाज करवाया, खूब डॉक्टर को दिखाया, तब भी मुझे आराम नहीं लगा। तब बेलपत्री और रुद्राक्ष के जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा। मैं 3 ओर हो जाई। जय हो माँ, धन्य। 3 बार सियोर हुआ, 1 बार रुद्राक्ष मिला, उस रुद्राक्ष को गलाती, पानी शिव जी को चढ़ाती और पीना प्रारंभ करा, उसे पीती और सबको पिलाती। बाबा की कृपा से अब मेरा सर्वाइकल का दर्द ठीक है, मैं डिप्रेशन से बाहर हूँ। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, मैं बाबा को धोख लगाने आई। बैठो बैठी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव कृपा शंकर की उदारता, ये शिव करुणा। अब सुनो दिल से, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस पावन प्रागण्य में कथा सुन रहे हैं, आप दिल से सुनो, हृदय से। यह भी मत देखो कि कहां बैठे हो, बस जहां मौका मिल जाए, जहां जगह मिल जाए, एक एक काशी के एक भक्त की कथा आती है जिसका नाम भोला था। माता पिता थे, आंखों से अंधा बेटा ने जन्म ले लिया था। अब आंख से अंधा बेटा घर में जन्म ले लिया, एक ही लड़का और वो भी आंख से अंधा। मां भी रोती थी और पिता भी रोते थे कि बेटा ने भी जन्म लिया तो आंख से अंधा है, नहीं नहीं है इसके, अंधा है ये। बेटे को जैसे तैसे माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा करा। अब घर में अगर कोई विकलांग है, कोई का पांव नहीं, कोई का हाथ नहीं, कोई के शरीर में रोग है या बीमारी है और उसका कोई नहीं है, तो माँ बाप तो यही सोचते हैं ना कि हम तो है ना, जब तक है हम तो अपने बच्चे को संभालेंगे, जब तक जीवन मिला मनुष्य की देह। मेरा बेटा है, मुझे संभालना। अंधे बेटे को जिसका नाम उन्होंने काशी में भोला रख दिया था, उस भोला को वो संभाल रहे। हमारा सनातन धर्म बड़ा विचित्र बात कहता है, ना अंधे को देखकर कभी हंसना है, ना लूले को देखकर कभी हंसना है, ना अपंग को, ना कोई का हाथ पांव, किसी के नेत्र, कुछ भी तकलीफ में हमें कभी नहीं हंसना। क्योंकि आप भगवान से क्या मांगते हो, भगवान मुझे आनंद देना, बोलते हो कि नहीं बोलते? भगवान मुझे खूब खुशियां देना,
तो भगवान मन में सोचता है, जब तुझे अंधे को देखकर इतनी खुशी हो रही है, लूलों को देखकर इतनी खुशी हो रही है, लंगड़े को देखकर इतनी खुशी हो रही है, तो भगवान भी सोचता है ये गिफ्ट क्यों ना मैं तुझे भी दे दूं, तू पूरी जिंदगी खुश रह ले। ना तो हमें किसी अंधे को देखकर हंसना है, ना किसी विकलांग को देखकर, ना किसी कमजोर को देखकर, ना कोई शरीर से बहुत मोटा है, बहुत तगड़ा है, हमें उसको देखकर भी नहीं हंसना। कोई बहुत दुबरा है, उसको देखकर भी हमें नहीं हंसना। और यदि हम उसको देखकर हंस रहे हैं, हम उसके ऊपर एक उंगली उठा रहे हैं, हम उसको देखकर थोड़ा ठिठोली कर रहे हैं, तो यह तैयारी रखना कि इस कष्ट को भोगने के लिए आपका एक जन्म हो सकता है। 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की, 83,99,999 योनियां काटने के बाद यह मनुष्य की योनि 84 लाखवें नंबर की आती है। 21,600 श्वास रोज प्रतिदिन इस शरीर से निकलती है। 3.5 करोड़ पूरे शरीर में रोम छिद्र हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवान ने दिए। 21,600 श्वास प्रतिदिन शरीर से निकल रही है। 83,99,999 योनियां छोड़ने के बाद मनुष्य की देह मिलती है। और वह मानव की देह अगर हमने केवल निंदा में, बुराई में, चुगली में, गलत कार्य में निकाल दिया तो हमारा जीवन व्यर्थ है, फिर उस जीवन का कोई महत्व नहीं है जो शिव जी ने दिया। से भी आओ और किसी के पास में पैसा नहीं है, वो के मेरा मन बहुत करता है कथा में जाने का, पर इतनी दूर हो, मेरे पास ऑटो का किराया नहीं, भगवान ने मुझे दिया है, तू बैठ मेरे साथ में। हो सकता है ये 10 रुपये मेरे कहीं मेडिकल में लगने वाले होंगे, डॉक्टर में लगने वाले होंगे, तो 10 रुपये में तुझे ले जाकर कथा सुना दूं। इससे बढ़कर सुख और क्या होगा। घर से खाली गाड़ी आ रही है, पड़ोसन से पूछ लो चल रही है कथा में, रिश्तेदारों से पूछ लो कथा में चल रहे हो, हम जा रहे हैं कानपुर में कथा सुनने, कल्याणपुर में कथा चल रही है, हम कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं, कथा श्रवण करने जा रहे हैं, चित्त से आनंद से कथा को सुनना है, हमको यहाँ दिखावा नहीं करना है। आपके कानपुर में बहुत कथा होती है, कानपुर वासियों को मेरा नमन है, बहुत बड़े बड़े रूप में कथा होती है, उनको भी नमन है, पर यहाँ जो कथा हो रही है, यहाँ श्रोता नहीं बैठा हुआ है, ये जो समिति कथा करा रही है, यजमान कथा करा रहे हैं, या जितने भी लोग सेवा में लगे हुए हैं, उनसे एक ही निवेदन करूंगा, यहाँ कथा सुनने के लिए श्रोता नहीं बैठा है, यहाँ जितने भी आएंगे वो भोला आएगा और भोला का भगत आएगा, इसके सिवा कोई नहीं। जो शंकर का प्रिय है, जो शिव का प्रिय है, वही यहाँ पहुँचने वाला, उसके सिवा कोई नहीं पहुँचने वाला। ये तो संबंधों की बात है, किसी के यहाँ शादी होती है, अभी शादी का सीजन चल रहा है, बोलो री जी जी, सही है कि गलत है, खूब शादी का सीजन चल रहा है, किसी की बहन के यहाँ शादी, किसी के काका जी के शादी, किसी के मामा जी के शादी, किसी की बुआ जी के यहाँ शादी, तो जिसके रिश्तेदार के यहाँ शादी है तो रिश्तेदार को जाना पड़ेगा, जिसके जैसे संबंध होते हैं वो शादी में वैसा ही पहुँचता है, अब उनका संबंध वहां शादी में था तो वो शादी में चले गए, आपका संबंध महादेव से था इसलिए यहाँ आ गए, ये तो संबंधों की बात है, ये तो आपका संबंध कैसा है ये मालूम पड़ता है कि संबंध कहां निभरा है, कहां पहुंचे हो आप। भोला की आंख नहीं है, भोला आंखों से अंधा है, पर मां पिता माता पिता ने विचार करा कि मेरा बेटा आंखों से विहीन है, इसके जीवन में हमें कुछ अच्छा कर देना चाहिए, इसके जीवन में हमें कुछ अच्छा करना है। खूब अच्छा करने का प्रयास करो। एक आप सबसे निवेदन है अपने बच्चों को, तुम्हारे पास में कितना पैसा है कभी अपने बच्चों को मत बताना, तुम्हारी अटैची में कितना सोना है कभी अपने बच्चों को मत बताना, तुम्हारे पास में कितनी प्रॉपर्टी है अपने बच्चों को मत बताना, पत्नी को भले बता देना, भाई बंधु को भले बता देना, मना नहीं, पर बच्चों को मत कहना कि तेरे बाप के पास में, तेरे पिता के पास में इतनी दौलत है, काय को चिंता करता है, काय को टेंशन लेता है, कभी नहीं कहना कि इतना धन, इतना वैभव, इतनी दौलत है। बच्चों से कहो
पढ़ाई करो, विद्या अध्ययन करो, मेहनत करो और अच्छी मेहनत करो और दिल से करो, और मेहनत कर कर तुम्हारे पिता ने जैसे कमाया है वैसा तुम कमाओ। बाप की जागीर पर कभी ऐश ना करना। अपने बच्चों को बताओ, भोला के माता पिता ने विचार करा कि भोला एक दिन शरीर हमारा छूट जाएगा और भोला आंख से अंधा है, कुछ करा जाए व्यवस्था, क्या करा जाए। तो उन्होंने कहा कि ये आंख से अंधा लड़का करेगा क्या, ना तो नौकरी कर सकता है, ना सर्विस कर सकता है, ना कुछ करेगा। एक काम करते हैं, इसको शंकर जी के मंदिर जाना सिखा देते हैं, इसको मंदिर तक ले जाना सिखा देते। बस इतना बहुत है। वो भोला के माता पिता ने अपने बच्चे को मंदिर तक जाना सिखाया। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने बच्चे से रोज कहती हैं कि बेटा एक लोटा पानी भरकर मंदिर चले जाया कर। हाथ उठाओ जरा, सभी हो, जय हो, रख लो जी जी हो, प्रणाम, बहुत बढ़िया। प्रणाम आपको, नमन। होना चाहिए। हम पहले भी कथा में कही और आज फिर कह रहे हैं, संसार में होने वाले क्राइम को, संसार में होने वाले जितने भी बुरे काम हैं, क्राइम है, इसको शासन कभी नहीं रोक सकता, इसको शासन कभी जिंदगी में नहीं रोक सकता। क्राइम को अगर रोक सकते हो तो आपके घर के संस्कार रोक सकते हैं, आप रोक सकते हो। आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए, क्राइम होना बंद हो जाएगा। प्रशासन कितना रोकेगा, सरकार कितना रोकेगी। आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दो, बेटा कभी गलत कर्म मत करना, भगवान पर भरोसा रखना, कभी गलत काम की ओर अग्रणी मत होना। मेरा भोलेनाथ बैठा है, उसने मेरे दुख में साथ दिया है, तो विश्वास रखती हूं कि तेरी जिंदगी में कदम से कदम मिलाकर मेरा शंकर चलेगा। टेंशन मत लेना, अपने बच्चों में भगवान के प्रति, शिव के प्रति, उसके भीतर इतना बल प्रदान कर दो, इतना बल दे दो कि बच्चा कभी गलत करने की सोचे ही नहीं, कभी बच्चे, अपने घर के बच्चे कभी गलत मार्ग की ओर जाए ना। गलत मार्ग की ओर वो बच्चे प्रशस्त ना हो, आगे ना बढ़े। हम कई बार कथाओं में कहते हैं, आपका संस्कार, आपके घर की परवरिश, आपके घर का भजन, आपके घर की भक्ति, ये गलत कार्य को रोक सकती है। यहां इतनी माताएं बैठी हैं और इतने पुरुष बैठे हैं, इसमें 70-80 वाले तो बहुत कम हैं, ज्यादातर जितनी भी माताएं और पुरुष वर्ग बैठे हुए हैं सब युवान बहुएं, बेटे, भाई बैठे हुए हैं, माताएं बैठी, क्योंकि बुजुर्ग माताओं को तो ये लगता है कि भाई महाराज कथा करने आए हैं, ढेर भीड़ हो रही होगी, पैदल भी खूब चलना पड़ता है, तो बुजुर्ग लोग कथा तक पहुंच नहीं पाते, वो कहते हम आस्था पे ही सुन लेंगे, फेसबुक यूट्यूब पर ही सुन लेंगे। पर युवान जो बेटे हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, इनके मन में एक ललकता रहती है कि एक बार मैं शिव महापुराण की कथा शंकर भगवान की छत्र छाया में बैठकर सुनूं, क्योंकि जहां कथा होती है उसकी छत्र छाया में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करूं, ये इनके भीतर की जागरूकता करती है। अब कहो, आपका
बल, आप अपने जो बच्चों को बल दे रहे हो। काशी में रहने वाला भोला, उसकी माता पिता ने बल दे दिया कि अगर हम मर भी गए, हमारे प्राण चले गए, तो बेटा कम से कम शंकर के मंदिर जा रहा है, शंकर का गुणगान कर रहा है, शिव का भजन कर रहा है, शिव मंदिर में बैठेगा, भगवान का भजन गाएगा, तो जितने लोग मंदिर में आएंगे कम से कम वो तो सहयोग करेंगे। आप लोग जिस मंदिर में जल चढ़ाने जाती होगी ना, मैं दो चार महिलाओं की तो आपस में इतनी फ्रेंडशिप हो गई होगी, इतनी फ्रेंडशिप कि एक दूसरे के बिना रे ही नहीं। और कहीं कहीं की तो यहां भी आई होगी, तो ग्रुप में आई होगी, हम तो उस मंदिर वाले हैं, वो भी ग्रुप में बैठी होगी कि हम उस मंदिर वाले हैं, हम लोग वो कथा सुनने के लिए। अब कम से कम मेरे बेटे को शंकर भगवान के जितने मंदिर में आने वाले लोग हैं वो मेरे पुत्र को देखेंगे, संभालेंगे, हमारे प्राण छूट भी गए तो हमारे बच्चे को कम से कम मंदिर में आने वाले देख लेंगे, संभाल लेंगे। ये जानकर माता पिता ने अपने पुत्र को शिव मंदिर ले जाना चालू कर दिया। बेटा बड़ा हो गया, मंदिर जाते रहे। एक दिन माता पिता ने अपने बच्चे से कहा कि हम पर गांव जा रहे हैं, वहां से आए, तब तक तुम शिव मंदिर में बैठना। माता पिता पर गांव निकल गए और दूसरे गांव से आ रहे थे तो कहीं एक्सीडेंट हो गया और दोनों माता पिता के प्राण छूट गए। भोला शिव मंदिर में बैठा हुआ है, उसकी भक्ति ना घर के भरोसे, वाह कानपुर वाला, तुम्हें भजन तो याद हो गया ही पक्का, धन्य धन्य। भोलेनाथ दया करना, तेरे भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे, ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। भोला की आंख में आज अचानक जल बरस रहा है, अचानक उसको नहीं मालूम कि मेरे माता पिता मर चुके हैं, मेरे माता पिता चले गए, प्राण छूट गए, पर जल बरस रहा है, नेत्रों से जल बह रहा है, लगातार बह रहा है। एक भाई वहां रोज जल चढ़ाने आता था शिवजी के मंदिर में, उसने पूछ लिया, आज तेरा आंखों से जल बह रहा है, आंसू निकल रहे हैं, क्या बात है? भोला कहता है, मेरे माता पिता पर गांव गए, अभी तक आए नहीं है, उनका इंतजार करते करते मैं सुबह से थक गया, चल मैं तुझे घर छोड़ देता हूं। जो रोज शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने आता था उसने भोला का हाथ पकड़ लिया, जिसका कोई नहीं होता उसका भोलेनाथ होता है, कोई नहीं। ब्रह्मा जी तुमको उतना ही देंगे जितना भगवान विष्णु ने कहा होगा,
भगवान विष्णु उतना ही देंगे जितना तुम्हारी किस्मत में जम के बोलो जरा लिखा होगा, पर भोलेनाथ उतना देंगे कितना, ना तो वो ब्रह्मा जी का लिखा हुआ देखते हैं, ना वो विष्णु जी का लिखा हुआ देखते हैं, ना वो भाग्य का लिखा हुआ देखते हैं, वो तो केवल इतना देखते हैं कि मेरे दरवाजे पर आया है और मुझे देना है, बस खत्म। उसे कोई मतलब नहीं, उसे कोई मतलब नहीं। आया वो भस्मासुर आकर खड़ा हो गया, और भस्मासुर कौन था ये भस्मासुर, कितना कितना भगवान शंकर का भक्त, वो भस्मासुर था कौन, शिव जी का भक्त, इतनी पूजन करता था शंकर जी की, इतनी पूजन करता, शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए, बस आपकी सेवा करना चाहता हूं। शंकर जी ने कहा ठीक है कर ले से, मेरे को काम बता। कई कई बहुएं ऐसी होती हैं नई नई आती हैं, एकदम तो कहती मम्मी मैं क्या काम करूं, और इतने दिन में मम्मी कह दे बेटी जा लिट्टी चोखा बना ले, या मम्मी कह दे बेटा जा वो चिलड़ा बना ले, चीला आटे में शक्कर गुड़ घोल के तवे के ऊपर क्या बोलते हो, चीला ना, हाँ तो वो चीला बना ले। अब वो बहू को पहली बार माने कहा जा, अब तू पूछ रही कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो चीला बना ले। अब नई बहू और चीला बना के बता दे, गारंटी है आप भी बना कर देखना, हमने तो कई बार प्रैक्टिकल करा है, बनता ही नहीं, पहला चीला तो बिगड़ता ही है, उसको कितना ही घी डाल दो और उसके बाद वो घोल डाल के फैला दो, फैलाने के बाद उसको जो खोचा होता है ना उससे उसको बनाओ तो ढेला हो जाए, ढेला, और फिर वो किसी काम का नहीं होता। तो नई नवेली बहू पूछती है माँ क्या बनाओ, और माँ बोल दे चीला बना ले, और इतने में बनाया वो तो ऐसा बन गया, उसने सोचा करूं क्या, तो उसने चूल्हे में ही डाल दिया। सास को खुशबू आई, क्या जल रहा है, कहीं नहीं चीला देख के मेरा दिल जल, अब बोल तो सकती थी कि वो चीला जल गया, अब बोले तो बोले क्या। भस्मासुर शिवजी से पूछते हैं आप बताओ मेरे लिए आज्ञा क्या है, शंकर भगवान ने कहा क्या आज्ञा करूं तेरे को, नहीं मेरे को कोई काम बताना पड़ेगा, नंदी को भी आपने काम दिया, भृंगी को भी काम दिया, श्रृंगी को भी काम दिया, सबको काम दिया, मुझको काम बताओ। शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा अब तू बता इसको क्या काम बताऊं, एक तो इसमें अक्कल नहीं है। शंकर भगवान जैसे ही बोले तो पार्वती जी बोलिए आपका भजन करने वाला जितना भी है, शंकर भगवान रावण कंस जितने देखो शिव जी के भगत, तुम देखना तुम्हारे कानपुर के किसी मंदिर में जाकर बैठना, थोड़ी देर जल चढ़ा रही है, इतनी देर में पीछे से कहीं का गया और चिल्ला के हार, अब सिर पे पल्लू रखी तो पहले पलट के देखी है कौन है, ऐसा भयंकर चिल्लाया है। तो अब इसको थोड़ी बहुत अकल होती तो कोई पूजन कर रहा बेचारा घबरा जाएगा, डर जाएगा, चिल्ला चढ़ाया। अब भस्मासुर बोले मुझे सेवा बताओ, शंकर जी ने पार्वती से पूछा तुम बताओ क्या सेवा दूं, पार्वती जी बोली बहुत सारी सेवा है, तुम्हारी सेवा में कमी है क्या, इसको कह दो कि मुझे रोज शमशान की राख चाहिए शरीर पे लगाने के लिए, लाए। शिव जी ने कहा सुन भस्मासुर मेरे शरीर पे लगाने के लिए रोज मुझे ताजी शमशान की राख चाहिए, जा लेकर। भस्मासुर ने कहा मेरे को कोई काम मिल गया इससे बढ़कर कुछ भी नहीं चाहिए, अब आपने काम बता दिया अब मैं करूंगा, और भस्मासुर रोज जाता शमशान की राख लेकर आता। उसकी पत्नी पूछती कहाँ जा रहे हो, शमशान की राख लेने जा रहा हूं, शिवजी की सेवा के लिए रोज जाता रोज राख लाता, एक बार राख लेने गया तो राख ही नहीं मिली, सब दूर शमशान शमशान घूमता फिरा, कानपुर भी आया था नहीं मिला, अभी नहीं मिला, सब दूर घूमा,
और राखी नहीं मिली। शिव जी ने कहा तू मेरे लिए शमशान की राख नहीं लाया। भोलेनाथ मैं सब दूर ढूंढी नहीं मिल रही, अब क्या करूं। इतने में इसने अपनी पत्नी से पूछा मेरे भोलेनाथ जी के लिए शमशान की राख नहीं मिल रही है, मुर्दे ही नहीं आ रहे हैं, अब क्या करूं। अब तो मुझे मेरा शरीर जलाना पड़ेगा और अपनी राख शिव जी को देना पड़ेगी। इतने में पत्नी बड़ी चतुर थी, उसने कहा तुम अपनी क्यों शरीर जला रहे हो, शंकर तो ओघड़ दानी है, तुम कितने शमशान घूम के राख इकट्ठी करोगे, उससे अच्छा है अपनी खुद की फैक्ट्री खोलो, खुद की फैक्ट्री खोलो। उन्होंने कहा अपनी फैक्ट्री कैसे, शंकर जी से आशीर्वाद ले लो कि जिस पे हाथ रखो वही मौसम हो जाए, राख तैयार तुरंत तैयार, और राख तैयार तो शिव जी के पास ले जाना, अपनी फैक्ट्री खोलो। पति भस्मासुर ने अपनी पत्नी से कहा क्या अक्ल दी तूने, कितनी जोरदार, अब नहीं छोड़ूंगा। तो वो गई, अपना कुछ काम चालू करो। अब वो कहकर भस्मासुर गया। भोलेनाथ, शिव जी ने पूछा क्या हुआ, मुझे वर चाहिए। शंकर जी ने कहा क्या वर चाहिए, मैं शमशान की भस्म ढूंढ ढूंढ के थक गया, नहीं मिलती है, आपके लिए रोज लाना पड़ती है, मैं अब चाहता हूं कि मुझे वर दो, मैं जिस पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए, तुरंत ताजी भस्म ला के रोज दे दूंगा। अब शंकर भगवान ने भी नहीं सोचा, भोला का भोला नाथ, उनने कह दिया तथास्तु। ये घर गया, पत्नी से कहा मुझे वर मिल गया, जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। पत्नी बोली मैं भी आई, खिड़की में जाके खड़ी हो गई। पत्नी ने कहा तुम मेरे पास में आए हो, आने से पहले तुम्हें एक बार प्रैक्टिकल तो कर लेना था, क्या शंकर भगवान ने वर दिया है, कोई भरोसा नहीं है, शिव जी ने वर दिया है, कोई भरोसा नहीं है, एक बार शंकर जी के पास जाओ और उनसे कहो कि मुझे यही प्रैक्टिकल करना है। क्या प्रैक्टिकल करना है, शिव जी पे हाथ रख कर देख लो। भस्मासुर ने कहा तू बिल्कुल सही बोली है, वो तो आंख बंद करके बैठे रहते हैं, हो सकता है उन्होंने गलत मलत भर दे दिया, मैं अब भी जाता हूं। और शंकर भगवान जहां बैठे थे पहुंच गया, जैसे ही आया इसका पांव रखते से ही मालूम पड़ गया शंकर जी के कि भस्मासुर आया है। कोई कोई बहू जब सास के कमरे में आती है या कमरे से निकलकर सामने से जाती है तो सास समझ जाती है कि बड़ी है कि मंजली है कि संजली है, उतने में समझ जाती है उसके पांव की धमक से, कहीं कहीं की तो एसी चले कि दो चार सामान गिराती गिराती जाए, और कहीं की एसी चले कि बच्चा उनका चिमटा चिमटी खोलती जाए, और कहीं कहीं की एसी चले कि पीती खाती चले। तो ये तो सास को तो मालूम है कि ये जो कौन सी जा रही है उसको अंदाजा। अब भस्मासुर आया, शिव जी की आंख खुल गई। भस्मासुर से पूछा तू क्यों आया वापिस, प्रभु मैं आपके ऊपर हाथ रख के देखना चाहता हूं कि मेरे को तुमने जो आशीर्वाद दिया वो सही है कि गलत है। शंकर भगवान थोड़ा पीछे हटे, दादा रुक तो मुझ पे क्यों हाथ रख रहा है, मेरी पत्नी ने कहा है जो आशीर्वाद दिया वो पे प्रैक्टिकल करो। शंकर भगवान भागे पीछे, आगे आगे शिव जी, पीछे पीछे भस्मासुर। भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारायण ने पूछा तुम कैसे आए, मेरा शिष्य आ रहा है पीछे, वो काय को आ रहा है, उसको मैंने आशीर्वाद दे दिया जिस पे हाथ धरेगा वही भस्म, उसकी खुद की फैक्ट्री खुलवा दी मैंने भस्म के लिए। भगवान विष्णु पहुंचे, हो गया कल्याण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव।